हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हाल ही में निकल के आए, जिसमें बात हुई अभी जो इंडियन साइंस कांग्रेस जो प्रोग्राम चल रहा था, आपका 107th एडिशन चल रहा था इसका। बेसिकली 107th सेशन हो रहा था इंडियन साइंस कांग्रेस का, कहाँ पे? बेंगलोर कर्नाटका में। इस बार की थीम थी इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्लाइमेट चेंज जो प्रोग्राम आता है, उसके हेड ने बात की कि किस तरीके से सेंटर साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। बेसिकली होगा क्या कि कोई भी साइंस प्रोजेक्ट है, अगर उसको फंड किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा, तो जो भी रिसर्चर्स उस साइंस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, उनको कुछ एक्टिविटीज़ पब्लिक के साथ करनी पड़ेगी। पब्लिक के बीच में साइंस को पॉपुलर करना पड़ेगा, पब्लिक को इन्वाइट करना पड़ेगा, पब्लिक तक पहुँच उसकी बनानी पड़ेगी। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाएगा जिसको SSR साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत पूरा किया जा सकता है। इसमें कॉलेज जाके लेक्चर डिलीवर करना, आर्टिकल लिखना, कोई मैगजीन में आर्टिकल लिखना या फिर कुछ और करना, यानी कि पब्लिक तक उसकी पहुंच होनी चाहिए किसी भी रिसर्चर की। अब जहां तक है, ये ऐसा होगा कि दिन में, साल भर में इतने दिन आपको जाके पब्लिक के बीच में बिताने पड़ेंगे, इनोवेशन, साइंस, आर्टिकल वगैरह, इन सब के बारे में इन आर्टिकल लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मतलब पब्लिक तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। और इसको मैंडेटरी बना दिया जाएगा और आउटकम रिपोर्ट के अंदर इसको जोड़ा जाएगा। इसी साल ही ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन मीटिंग करने के बाद। अच्छा, इंडियन साइंस कांग्रेस की बात कर रहे थे हम, तो इंडियन साइंस कांग्रेस प्रीमियर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जिसमें 30,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट की मेंबरशिप है। इसके हेडक्वार्टर वैसे तो कोलकाता बंगाल में है, हालांकि इसका जो 107 सेशन हुआ था ना इस साल, वो हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 1914 में ही बन गया था ये, दो ब्रिटिश केमिस्ट उनके द्वारा बना था ये। साइंस को प्रमोट करने के लिए इंडिया में इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। 107 सेशन जो हुआ है वो आपको पता है बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ, इसका थीम मैंने आपको बता दिया, याद रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये नया कंसेप्ट नहीं है, ये पुराना कंसेप्ट है। हालांकि इसमें इन्फॉर्मेशन अपन अच्छे तरीके से जानेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो, बात क्या है कि जिस तरीके से हमने देखा कि साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ समय जो है पब्लिक में बिताना पड़ेगा साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, ताकि पब्लिक के प्रति उनकी जिम्मेदारी तय हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही जिम्मेदारी है, लेकिन वो कॉर्पोरेट्स के लिए है, कंपनियों के लिए है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी जो है निभा सके। कैसे? देखो, वैसे तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन जो क्लोज है 135, ये याद रखना है आपको, क्लोज 135 कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा गवर्न होता है, यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट निकल के। और पहला भारत ऐसा देश है जिसने मैंडेटरी कर रखा है CSR को। अब CSR में कंपनियाँ कौन कौन सी एलिजिबल है? जिनका एनुअल टर्नओवर 1,000 करोड़ से ऊपर है, नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है। वापस देख लो, टर्नओवर 1,000 करोड़ से ऊपर है, नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है या ज़्यादा है ना, तो मिनिमम ये होगा तो आप CSR में एलिजिबल हो जाएंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, आपको जो है मैंडेटरी हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो मेरी कंपनी और मैं एलिजिबल हो गया, तो मैं क्या है, अपनी खुद की CSR कमेटी स्थापित करूँगा, उसके अंदर एक पॉलिसी बनाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो पॉलिसी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट की जाएगी, फिर देखी जाएगी किस तरीके से पैसा जो है खर्च किया जा सकता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, कंपनियां एलिजिबल होगी कि कौन कौन सी कंपनियां कर सकती है, CSR के तहत एप्लीकेबल है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कैसे जाएगी? देखो, इसके लिए क्या होता है कि पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उनका 2% उनको स्पेंड करना होता है एक्टिविटीज़ जो दी गई हुई होती है सरकार के द्वारा। ये एक्टिविटीज़ है इरीगेटिंग, एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन,
कॉम्बेटिंग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एंड अदर डिसीजेज, जो भी आपकी एड्स वगैरह जो चाहिए होती है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा जो जाता है, जो कंपनियाँ देती भी है, वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को देती है या और भी कोई फंड जो सेटअप होते हैं दे सकती है उनको। देना कितना होता है, पिछले तीन साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%, पिछले तीन साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो आपको याद हो जाएगा लेकिन बाद में जाके आप भूल जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पिछले तीन साल का नेट जो एवरेज नेट प्रॉफिट आया पिछले तीन साल का, उसका एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उसका 2% स्पेंड कर देगी कंपनी, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये तो अपने प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव से बहुत तो सही चीज़ है, आपको इंपॉर्टेंट भी है। मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर आ भी जाए मेंस में अगर सीएसआर की बात, तो आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं कि ये कौन से सेक्शन के तहत है। सेक्शन क्लोज 135 कंपनीज एक्ट 2013, एलिजिबिलिटी कौन सी कंपनी की है, कितना पैसा जो है देना पड़ता है। इंपोर्टेंस क्या है, देखो इंपोर्टेंस ये सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चांस देता है कि वो अपने सोसाइटी, इन्वायरमेंट और देश के प्रति समर्पित जो हो सकता है जिम्मेदारी निभा सकता है। इससे क्या है कि कंपनी की ब्रांडिंग भी हो जाती है, इमेज भी बढ़ जाती है और कस्टमर्स का एटीट्यूड भी अच्छा होने लगता है और एम्प्लॉयज़ को भी एक खुशी महसूस होती है। अब जिम्मेदारी बढ़ती है तो इनोवेशन भी बढ़ता है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ में भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक हैबिट डेवलप होती है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है इससे। अभी अगर मैं प्रेजेंट स्टेटस की बात करूँ तो देखो सीएसआर स्पेंडिंग में जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है एजुकेशन और हेल्थ में, करीब 12,000 करोड़ रुपए जो है एनुअली आ जाते हैं और महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा आते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि जहाँ आना होता है वहाँ नहीं आते, वो हम पढ़ेंगे चैलेंजेस में। अभी तो प्रेजेंट स्टेटस में देख लो कि कुछ कंपनी ऐसी भी है कि जो 2% मैंडेटरी है मिनिमम की, 2% आपको एवरेज नेट प्रॉफिट तीन साल का स्पेंड करना पड़ेगा, कुछ कंपनियाँ उससे ज़्यादा भी कर देती हैं, है ना। तो कुछ कंपनियाँ बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं और एनजीओज और मतलब है ना एनजीओज वगैरह से आगे निकल गई और एनजीओज के साथ जोड़ रखी है खुद को, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज के साथ खुद को जोड़ने में काम करती हैं और सीएसआर प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में उनकी हेल्प भी लेती है। तो एक तरीके से एनजीओज के साथ मिलके, सिविल सोसाइटी के साथ मिलके जो है काम कर रही है। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस ये हैं कि देखो मोस्टली जैसे 70-80% जो पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में जाता है, तो जहाँ जाना होता है वहाँ नहीं जा पाता। और कुल मिला के जो कंपनियाँ हैं, सारी कंपनियाँ सीएसआर में एक्सपेंडिचर नहीं करती एलिजिबल होने के बावजूद भी। और दूसरी बात, इन्होंने सीएसआर का लार्जर गोल नहीं समझा भी, सीएसआर का मतलब क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। और जहाँ जहाँ स्टेट्स में सबसे, जैसे मैंने बताया कि आपको राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, राजस्थान में, गुजरात में, इनमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है सीएसआर का, तो जहाँ पे जैसे बिहार हो गया आपका, यूपी हो गया, यहाँ आना चाहिए वहाँ नहीं आ पाता, है ना। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब सरकार को स्ट्रक्चर ढंग से करना पड़ेगा इसका। और यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि और देश किस तरीके से काम करते हैं कुछ अगर। और कई बार क्या होता है, सीएसआर फंड्स का मिसयूज भी कर दिया जाता है कंपनियों के द्वारा, गलत जगह पे पैसा लगा दिया जाता है और पैसा इस तरीके से लगाया जाता है कि अकाउंट्स में तो दिखता है कि वो सीएसआर के लिए लगाया गया लेकिन पैसा घूम फिर के उनके पास ही आ जाता है। और तो इस चीज़ को जो है सुधार सकते हैं हम, सपोर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकती है अच्छे तरीके से, भाई अवार्ड वगैरह दे सकती है उनको जो है, उनका उनको इनिशिएटिव इंसेंटिव्स दे सकती है जो भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव पॉलिसी हमको अपनानी पड़ेगी। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।